सर्वेभ्यो नमो नमः। मम नाम लूनेश कुमार वर्मा। अहम् रायपुर जिलांतर्गते शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालये छछानपैरी मध्ये व्याख्याता रूपेण पदस्थोऽस्मि। अद्य वयं पठामः सप्तम कक्षायाः संस्कृत विषयः। नवमः पाठः। पाठस्य शीर्षकः अस्ति आदर्श छात्रः। प्यारे बच्चों, अभी इस पाठ में हम आदर्श छात्रों में कौन कौन से गुणों का होना आवश्यक है इसके विषय में जानकारियां प्राप्त करेंगे। प्रस्तुत पाठ नाट्यांश के रूप में है, अर्थात संवादों के माध्यम से आदर्श छात्रों में कौन कौन से गुण होने चाहिए इसे स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। वास्तव में यह छात्र जीवन हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय हम जिन जिन गुणों को सीखते हैं वे उनके आधार पर ही हमारे जीवन की दिशा निर्धारित होती है। तो आदर्श छात्र, आइए इस पाठ का वाचन करते हैं। कृष्ण वस्त्रमयं दंड मंडितं छत्रं दक्षिण हस्ते निधाय अध्यापकः सप्तम्यां कक्षायां प्रविशति। छात्रान् प्रति प्रश्नं। काले रंग के वस्त्र से बना हुआ, ढका हुआ, दंड मंडितम और दंडे से सुशोभित छत्रम छाता दक्षिण हस्ते दाएं हाथ में निधाय लेकर अध्यापक सप्तम्यां कक्षायां प्रविशति, सातवीं कक्षा में प्रवेश करता है। जैसे हम अभी सातवीं कक्षा में बैठे हुए, इसी तरह से छात्रान् प्रति प्रश्न करोति। अब यह जो अध्यापक आया हुआ है जो काले रंग के वस्त्र से ढके हुए एक छाता को हाथ दाएं हाथ में लेकर आया है, वह छात्रों से प्रश्न करता है। छात्रान् प्रति प्रश्नं करोति, छात्रों से प्रश्न करता है। किं प्रश्नं करोति, क्या प्रश्न करता है? अध्यापकः, अध्यापक कहता है, भो भो छात्रा दक्षिण हस्ते इदं किं विद्यते इति अध्यापकः प्रश्नं करोति। हे छात्र, दाएं हाथ में यह क्या दिखाई दे रहा है, ऐसा अध्यापक छात्रों से प्रश्न करता है। छात्राः, अब अध्यापक के पूछे जाने पर, जैसे मेरे पूछे जाने पर आप सभी उत्तर देते हैं, वैसे ही उस अध्यापक के द्वारा प्रश्न किए जाने पर छात्र उत्तर देते हैं। कहते हैं, क्या कहते हैं? मान्याः गुरुवर्याः भवताम् दक्षिण हस्ते छत्रं विराजते। माननीय गुरुवर, आपके दाएं हाथ में छाता विराजमान है, अर्थात आपके दाएं हाथ में छाता सुशोभित हो रहा है, ऐसा छात्रों ने अध्यापक से कहा। हाँ, छात्रों के द्वारा ऐसा कहे जाने पर अध्यापक कहते हैं कि क्या कहते हैं? साधु 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 इति वात्रे मुक्त्वा पुनः छात्रान् प्रति प्रश्नं विदधाति अनेन छत्रेण किं क्रियते। साधु साधु साधु, साधु का मतलब होता है अच्छा 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 अच्छा, ऐसा वात्रे तीन बार बोलकर पुनः छात्रों से प्रश्न करने लगे। क्या प्रश्न करने लगे? अनेन छत्रेण किं क्रियते, इस छाता से क्या किया जाता है। छात्रा, छात्र उत्तर देते कहते हैं, वंदनीयाः गुरुवर्याः, वंदनीय गुरुवर, अनेन ग्रीष्म काले आतपा वर्षा काले च जल वर्षणा अस्माकं शरीर रक्षणं क्रियते। इससे, इससे छाते से ग्रीष्म काले गर्मी के समय में आतपात खूब पड़ने वाली गर्मी से, वर्षा काले च जल वर्षणा और वर्षा काल में जब बारिश होती है, जल की वर्षा होती है, उससे अस्माकं शरीर रक्षणं क्रियते, हमारे शरीर की रक्षा की जाती है। जब भीषण गर्मी पड़ती है तब लोग जो है छाता लेकर चलते हैं, क्योंकि इस छाता के कारण से लोगों को
धूप नहीं लग पाती है। वो धूप जो त्वचा को जलाने वाली होती है, इस धूप से बचने के लिए लोग गर्मी के समय में छाता लेकर चलते हैं। और इसी तरह से जब खूब बारिश होती है तब बारिश से भीगने से बचने के लिए लोग छाते का सहारा लेते हैं और छाते के माध्यम से वर्षा से बचते हुए एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं। तो इस तरह से छाते से हमारे शरीर की रक्षा होती है, ऐसा छात्र ने कहा। तब अध्यापक कहते हैं, शोभनम 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 इति वार्तयित्वाध्यापकः छात्रान् उपदिशति। शोभनम शोभनम शोभनम, सुंदर है सुंदर है सुंदर है, ऐसा तीन बार अध्यापक छात्रों को कहते हैं। यूयम सर्वे छात्राः जानीत, तुम सब छात्रों के द्वारा यह भली भांति जाना गया है। छात्र शब्द अनेनैव छत्र शब्देन निष्पन्नो विद्यते। छात्र शब्द इस छत्र शब्द से ही निष्पन्न हुआ है, ऐसा अध्यापक ने छात्रों से कहा। अर्थात ये जो छात्र शब्द हम कहते हैं, जैसे आप हैं, तो यह जो छात्र शब्द है ये बना कैसे है? यह छात्र शब्द जो है इस छत्र से ही निष्पन्न हुआ है, अर्थात बना है, ऐसा अध्यापक ने छात्रों से कहा। और आगे बात करते हुए कहते हैं, छत्र शब्द आवरण वाचक है। यह जो छत्र शब्द है यह आवरण वाचक है, अर्थात ढकने के अर्थ में इसका प्रयुक्त होता है। इत्थं च और यह गुरु दोषा वर्णम छत्रम तच्छीनम यस्य सः छात्रः इति छात्र शब्दस्य सुस्पष्टः अर्थः। इस प्रकार गुरु के दोषों को आवरण ढकने वाला जो है वह छत्र कहलाता है, तच्छीनम और इसका व्यवहार करने वाला जो होता है वह छात्र कहलाता है। इति छात्र शब्द का सुस्पष्ट अर्थ है, ऐसा अध्यापक ने छात्रों से कहा। यूयम सर्वे भी छात्राः, तुम सब भी छात्र हो। भारतस्य आदर्श छात्राः भवेयुः इति मदीया हार्दिक शुभकामना। और तुम सब भारत के आदर्श छात्र होगे, ऐसी मेरी शुभकामना है, हार्दिक शुभकामना है, ऐसा अध्यापक छात्रों से कहते हैं। और आगे बात करके कहते हैं, येन विद्यालये समाजे राष्ट्रश्च सर्वम अनुशासनम प्राचीना गुरु शिष्य परंपरा सामाजिकी सुव्यवस्था एकता अखंडता सांप्रदायिकी सद्भावना मानव मूल्यानि च संरक्षितानि भवेयुः। अध्यापक कहते हैं कि तुम सब भारत के आदर्श छात्र बनो, ऐसी मेरी हार्दिक शुभकामना है। क्यों है ये? जिससे विद्यालय में, समाज में, राष्ट्र में, अर्थात सब जगह अनुशासन की हमारी जो प्राचीन परंपरा रही है, गुरु शिष्य परंपरा में जिस अनुशासन की बातें कही जाती थी, जिससे समाज में सुव्यवस्था स्थापित होती थी, समाज में एकता अखंडता और संप्रदाय की दृष्टि से सद्भावना जैसे मानव मूल्यों का संरक्षण एवं विकास हो, इसलिए आप सभी भारत के आदर्श छात्र बने, ये ऐसे अध्यापक जो है छात्रों से अपेक्षा करते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने जो अंश देखा है, आइए उसके आधार पर कुछ शब्दार्थ देखते हैं। कृष्ण वस्त्रमयम, काले वस्त्र से युक्त, छत्र छाता, निधाय, निधाय मतलब होता है लेकर या रखकर, सप्तम्याम कक्षायाम, सातवीं कक्षा में, प्रविशति प्रवेश करता है, दक्षिण हस्ते दाएं हाथ में, भवताम आपके। इसी तरह से और भी जो शब्दार्थ हैं, आतपा धूप से, जल वर्षणार वर्षा से या जल की वर्षा होने से, क्रियते किया जाता है, शोभनम सुंदर, यूयम सर्वे तुम सब। यूयम कैसे बना? यूयम यह जो शब्द है वह युष्मद का रूप है, त्वम युवाम यूयम,
अर्थात युष्मद् का प्रथम विभक्ति बहुवचन का यह रूप है। तो यूयम सर्वे इसका शब्दार्थ होता है तुम सब। गुरु दोषावरणम, गुरु के दोष को ढकना, यह इसका तात्पर्य होता है। अब गुरु के द्वारा आदर्श छात्र में क्या क्या गुण हो इसका बखान किए जाने पर छात्र जो है गुरु से कहते हैं पूज्याह गुरुवः, पूजनीय गुरुवर। आदर्श छात्रेषु के गुणाः अपेक्षिताः भवन्ति, तत्प्राप्त्यर्थम् अस्माभिः किं किं करणीयम्। पूज्य गुरुवर, आदर्श छात्रों में कौन कौन से गुण अपेक्षित होते हैं ऐसा छात्र पूछ रहे हैं। और फिर कहते हैं तत्प्राप्त्यर्थम्, और उसकी प्राप्ति के लिए जो जो गुण अपेक्षित हैं उन गुणों की प्राप्ति के लिए अस्माभिः, हम लोगों के द्वारा किं किं करणीयम्, हमें क्या क्या करना चाहिए जिससे हम आदर्श छात्र के गुणों को प्राप्त कर सकें, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए ऐसा छात्रों में अध्यापक से पूछा। तब अध्यापक कहते हैं भो भो छात्राः यूयम सर्वे सावधानाः, छात्राणाम अध्ययनम तपः इति आदर्श छात्रस्य मूलभूतो गुणः। हे हे छात्रों, तुम सब सावधान हो जाओ। छात्राणाम अध्ययनम, छात्रों का अध्ययन तपः इति, तप के समान है, अर्थात यह जो अध्ययन का समय है यह तपस्या का काल है, तपस्या के समान है। छात्र जीवन को तपस्या का जीवन कहा जाता है। इसीलिए आदर्श छात्र से मूलभूतो गुणः, आदर्श छात्र का मूलभूत गुण जो है तपस्या है, तप युक्त होता है। अध्यापक आगे बात करते हुए कहते हैं अत एव आदर्श छात्र अध्ययनशील भवति, इसलिए जो आदर्श छात्र होता है, देखिए आप सभी छात्र हैं तो आपका प्रथम कर्तव्य है अध्ययनशील होना, तो आदर्श छात्र में भी अध्ययनशील होने का गुण होना चाहिए। तो अतएव आदर्श छात्र अध्ययनशील भवति, इसलिए आदर्श छात्र अध्ययनशील होता है। सह सच्चरित्र अनुशासितश्च भवति, और वह सच्चरित्र सतधन चरित्र इति सच्चरित्र, यहाँ व्यंजन संधि है, और वह अच्छे चरित्र वाला अनुशासितश्च, अनुशासित धन च, यहाँ विसर्ग संधि का प्रयोग हुआ है, और वह अनुशासित होता है, अर्थात जो आदर्श छात्र होता है वह अध्ययनशील तो होता है, उसका चरित्र भी अच्छा होता है और वह अनुशासन का पालन करने वाला होता है। सा सर्वदा पित्रोह गुरोह श्रेष्ठ जनानां च आज्ञां परिपालयति, सामान्य छात्राणाम अपेक्षया आदर्श छात्रेषु अधिकाः विशिष्टाः गुणाः भवन्ति। और वह जो आदर्श छात्र होता है वह सर्वदा सदैव पित्रोह पिता के, गुरोह गुरु के, श्रेष्ठ जनानां और जो बड़े लोग हुए जो अच्छे लोग हैं उनके उनकी आज्ञा पालन करने वाला होता है। सामान्य छात्रों और सामान्य छात्रों की अपेक्षा आदर्श छात्रों में अधिक विशिष्ट गुण होते हैं। देखिए सामान्य छात्रों में ये गुण तो होते हैं, ये गुण उन छात्रों में भी होते हैं जो आदर्श छात्र होते हैं, लेकिन इन गुणों के अलावा भी और भी अन्य विशिष्ट गुण होते हैं आदर्श छात्रों में, ऐसा अध्यापक छात्रों से कहते हैं। और आदर्श छात्र के गुणों को वर्णन करते हुए आगे वे कहते हैं आदर्श छात्र प्रातः समये नोत्थाय पित्रोह चरणौ सादरं नमति, आदर्श छात्र प्रातः समये नोत्थाय पित्रोह चरणौ सादरं नमति, शौचादि क्रियां समाप्य ईश्वरस्याराधनं करोति। आदर्श छात्र हट्टे पुण्यविधिकायां निष्प्रयोजनम न परिभ्रमति, जो आदर्श छात्र होता है वह प्रातः समयेन उत्थाय समय से उठ जाता है, और समय से उठकर वह क्या करता है पित्रोह चरणौ सादरं नमति, और अपने माता पिता के चरणों को वह प्रणाम करता है। शौचादि क्रिया, शौच आदि क्रिया को समाप्त करके, जो हमारी दैनिक क्रिया है ऐसी क्रियाओं को करके वह ईश्वरस्याराधनं करोति, ईश्वर की आराधना करता है। आदर्श छात्र जो होता है वह हट्टे, हट्टे कहते हैं बाजार को,
हट्टे हाट में बाजार में पंडवीथिकायाम दुकानों में रास्तों में गलियों में निष्प्रयोजन न परिक्रमति बिना किसी कार्य के नहीं घूमता है। अर्थात जब उसे आवश्यक कार्य होता है तब वह हाट जाता है, जब आवश्यक कार्य होता है तब वह दुकानों में जाता है, बिना किसी कार्य के इधर उधर वह घूमता नहीं है। ये गुण जो है आदर्श छात्र के हैं, जो अध्यापक जो है छात्रों को बता रहे हैं। और आदर्श छात्र के गुणों को कहते हुए कहते हैं अथच यथोपलब्धम आहारम विधाय अध्ययनोपकरणानि पुस्तकादि च नीत्वा यथा समयम विद्यालयम गच्छति। और वह यथोपलब्धम और जितना भोजन उसे उपलब्ध हो जाता है, जैसे हम समुचित आहार की बात करते हैं तो उसको जितना आहार उपलब्ध होता है हो जाता है उतना वह ग्रहण करके अध्ययनोपकरणानि अध्ययन के जो उपकरण हैं अर्थात पुस्तक कापी जो है इसको अध्ययनोपकरणानि पुस्तकादि च अध्ययन के जो उपकरण हैं उनको लेकर यथा समय से विद्यालयम गच्छति, समय से विद्यालय जाता है अर्थात समय पर विद्यालय पहुंच जाता है। क्योंकि देखिए विद्यालय क्या है, यह विद्यालय में केवल हम विद्या नहीं ग्रहण करते हैं अपितु अनुशासन का भी पाठ पढ़ते हैं। और अनुशासन में पहला क्या है कि समय का पालन करना या समय से किसी कार्य को संपादित करना। जैसे विद्यालय का एक निश्चित समय होता है, उस निश्चित समय में वहां उपस्थित होना और वहां जो निर्दिष्ट कार्य होते हैं उन्हें संपादित करना, ये आदर्श छात्र के गुण हैं। तो आदर्श छात्र जो होता है वह न केवल समय से विद्यालय आता है अपितु सह न केवल पाठाभ्यासम करोति, वह केवल पाठों का अभ्यास नहीं करता, वह केवल पाठों को नहीं पढ़ता है अपितु निखिलम अपि सामाजिक कार्यम परिश्रमेण संपादयति, अपितु संपूर्ण सामाजिक कार्यों को भी वह परिश्रम से संपादित करता है। अर्थात विद्यालय में जितने विद्यालयीन कार्य होते हैं इन सबको तो वह संपादित करता ही है, साथ ही साथ जो सामाजिक कार्य होते हैं इनको भी वह संपन्न करता है। विद्यालये स गुरुजनान सादरं स श्रद्धं स विनयं च अभिवादयति सह पाठिना मित्राणि च नमस्करोति। विद्यालय में वह गुरुजनों को आदर पूर्वक श्रद्धा के साथ विनय पूर्वक अभिवादन करता है और सह पाठिना मित्राणि जो सहपाठी मित्र हैं उन सबको वह नमस्कार करता है। भारतीय परंपरा में अभिवादन का यह स्वरूप है, हम किसी का अभिवादन करते हैं तो हाथ जोड़कर उसे नमस्कार करते हैं, तो आदर्श छात्र ऐसा करता है। प्रार्थना प्रसंगे अध्ययने सांस्कृतिक कार्यक्रमे क्रीडासु सर्वेषु विद्यालयीन कार्यकलापेषु सोत्साहं प्रतिभागं करोति। और जैसे हमारे विद्यालय में प्रतिदिन प्रार्थना होता है वैसे प्रार्थना के प्रसंग में अध्ययन में और विविध सांस्कृतिक कार्यक्रमों में खेलों में सर्वेषु विद्यालयीन कार्यकलापेषु, तो इस तरह से विद्यालय में जितने विद्यालयीन कार्यकलाप होते हैं उन सब में सोत्साहं उत्साह पूर्वक प्रतिभागं करोति भाग लेता है अर्थात ये सब में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। विनम्रता सहिष्णुता कर्तव्य परायणता अनुशासन प्रियता सत्यनिष्ठा गुण ग्राहिता विश्व बंधुत्वादयः आदर्श छात्रस्य विशिष्टाः गुणाः भवन्ति। ये जो आदर्श छात्र हैं इनमें और भी बहुत से गुण होते हैं, वह विनम्र होता है, वह सहिष्णु होता है, वह अपने कर्तव्य का पालन करने वाला होता है, वह अनुशासन प्रिय होता है और सत्यनिष्ठ होता है अर्थात सत्य का पालन करने वाला होता है और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाला होता है। विश्व बंधुत्वादयः और संपूर्ण विश्व को अर्थात सब लोगों को वह अपने बंधु बांधव की तरह मानता है, किसी में कोई भेदभाव नहीं करता है, सबके प्रति सम दृष्टि रखता है, तो ऐसा करने वाला आदर्श छात्र। और ये सभी गुण जो है वे गुण जो है आदर्श छात्र के हैं, इसलिए आदर्श छात्र से विशिष्ट गुणाः भवन्ति, ये सभी आदर्श छात्र के विशिष्ट गुण कहे गए हैं। इदानीं छात्रेषु आदर्श गुणानां अभावः दृश्यते, शिक्षक बात करते हुए कहते हैं आज की जो स्थिति है उस पर चिंता व्यक्त करते हुए कहते हैं
इदानीं इस समय छात्रेषु आदर्श गुणानां अभावः दृश्यते। इस समय लोगों में आदर्श गुणों का, छात्रों में आदर्श गुणों का अभाव दिखाई दे रहा है। युष्माभिः सर्वैः आदर्श छात्राणाम आदर्श गुणाः अनुकरणीयाः अनुसरणीयाश्च। तुम सबके द्वारा आदर्श छात्र के आदर्श गुणों का अनुसरण और अनुकरण करना चाहिए। तुम सबके द्वारा आदर्श छात्र के आदर्श गुणों का अनुकरण और अनुसरण किया जाना चाहिए, ऐसा अध्यापक छात्रों से कहते हैं। आइए अभी हमने जो अंश देखा इसमें जो कठिन पद आए हुए हैं उनके शब्दार्थ देखते हैं। छात्रेषु, इसका तात्पर्य होता है छात्रों में। परिपालयति, इसका तात्पर्य होता है परिपालन करता है। समये नोत्थाय, समय पर उठकर। परिभ्रमति, घूमता है। यथोपलब्धम, जैसा उपलब्ध है। संपादयति, संपादित करता है या पूरा करता है। ऐसे ही क्रीडासु, खेलों में। हाँ, विद्यालय बहुत से खेल होते हैं ना। हाँ, देखिए चित्र में आपको दिख रहा है बहुत से लोग बच्चे खेल रहे हैं। हाँ, ऐसे ही खेलों में। दृश्यते, दिखाई देता है। युष्माभिः, तुम सबके द्वारा अनुसरणीया, अनुसरण करना चाहिए। परिश्रमेण, परिश्रम के साथ। गुणग्राहिता, अच्छाई को अपनाना। प्राप्त्यर्थम, पाने के लिए। निखिलमपि, संपूर्ण भी। विधिकायाम, गलियों में। प्यारे बच्चों, अभी इस पाठ के माध्यम से हम आदर्श छात्रों में कौन कौन से गुण होने चाहिए इसके विषय में बहुत सी जानकारियां प्राप्त हमने किया है। प्यारे बच्चों, चलिए गृह कार्य प्रश्न नोट करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न है, कह सर्वेषु विद्यालयीन कार्यकलापेषु सोत्साहं प्रतिभागं करोति। दूसरा प्रश्न है, कह आदर्श छात्रस्य मूलभूतो गुणः। तीसरा प्रश्न लिखेंगे, कह सप्तम्यां कक्षायां प्रविशति। चौथा प्रश्न लिखें, के आदर्श छात्रस्य विशिष्टाः गुणाः सन्ति। पांचवा प्रश्न लिखेंगे, सश्रद्धं सविनयं च कः अभिवादयति। प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों के उत्तर आप लिखेंगे और अपने विषय अध्यापक से इसका परीक्षण कराएंगे। साथ ही साथ आदर्श छात्र के जो गुण इस पाठ में कहे गए हैं इन गुणों को आपको अपने जीवन में अपनाना है। चलिए इन्हीं भावनाओं के साथ सर्वेभ्यो